प्राचीन या आनंदी भैरव मंदिर है, उसके बराबर में महाकालेश्वर मंदिर और गौशाला और शिवधाम गौशाला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम होते हैं। अब 2 साल बाद कोरोना काल ख़त्म होने के बाद में पहली जन्माष्टमी 19 तारीख को आ रही है। 19 तारीख को भव्य बंगला होगा, 56 भोग का प्रोग्राम होगा और बहुत बड़े बड़े आयोजन होंगे। और सभी शहरवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से, सभी से हार्दिक शुभकामनाएँ कि सभी इसमें आनंद लें और प्रोग्राम में शामिल हों। गौशाला की सेवा हम 2 जने हैं, रामचरण शर्मा और सुनील शास्त्री जी, हम दोनों की ओर से सेवा की जाती है। बाकी भक्त आते हैं, अपनी सेवा करें। श्री कृष्णाष्टमी का जन्म दिवस है तो उस पर कुछ खास आयोजन रखा गया? हाँ, खास आयोजन रखा हुआ है। 56 भोग का प्रोग्राम है, फूल बंगला का प्रोग्राम है। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है आनंदी भैरव, उसके बाद हमारा महाकालेश्वर भी प्राचीन ही है। यहाँ जो भी भक्त आता है वो बहुत सुख और शांति का अनुभव करता है। कहता तो बहुत शांति है, जिस कार्य के लिए लोग दौड़ रहे हैं, हर एक प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि हमें शांति मिलनी चाहिए। कहते हैं वास्तव में एक यमुना के तट पर और आनंदी भैरव के पीछे जो बना हुआ मंदिर है, इतना शांति का अनुभव है। लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ पर होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ आते हैं लोग और देखते हैं तो उनका मन गदगद हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। बढ़िया सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ों की शुद्ध हवा मिल रही है, जो कहा जाता है कि 100 दवा की 1 शुद्ध हवा। और बहुत बढ़िया भगवान का विग्रह है, अनेकों प्रकार से यहाँ जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग तैयारियों पर लगे हुए हैं, कुछ ही देर में झांकियाँ सजने वाली हैं, सब लोग आ रहे हैं और लगातार तैयारियाँ चल रही हैं।